अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडेज़ टॉपिक ऑफ रिवीजन इज़ सोल्युबिलिटी, यूनिट नंबर 6। फर्स्ट आप लोग यहाँ से कवर करेंगे सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर किए गए हैं कुछ अफेक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स को। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, आपके साथ यहाँ पे प्रिंसिपल शेयर किया गया है, उसमें आपके साथ एग्जाम्पल्स फर्दर शेयर की गई हैं आयनिक पोलर सब्सटेंसेज और नॉन पोलर सब्सटेंसेज की, और आपको बताया गया है कि कौन से सब्सटेंसेज पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और कौन से सब्सटेंसेज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। सेकंड पॉइंट इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड थर्ड इज टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये आपके पास पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो इन तीन इवेंट्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट देखें आपके साथ, जैसे फिगर 6.2 में शेयर किया गया है, फर्स्ट इवेंट आपके साथ क्या शेयर किया गया है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का एक दूसरे से सेपरेट होना ज़रूरी है। सेकंड, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हों और सॉल्यूट पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करें। और थर्ड पॉइंट क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मिक्सअप हो जाएं, ठीक है। इसमें पूरा आपके साथ एग्जांपल फर्दर यहाँ पे NaCl की एग्जांपल शेयर की गई है कि किस तरह उसको वाटर में हम डिसॉल्व करवा रहे हैं तो किस तरह अट्रैक्शन और इंटरेक्शन हो रहा है NaCl और वाटर मॉलिक्यूल के आयंस में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टेम्परेचर का किसी भी सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी पे मेजर इफेक्ट होता है। तीन कंडीशंस आपके साथ यहाँ पे शेयर की गई हैं। फर्स्ट इज हीट इज अब्सॉर्ब्ड, सेकंड हीट इज गिवन आउट एंड थर्ड इज नो चेंज इन हीट। आपके पास फर्स्ट पॉइंट में कुछ सॉल्ट्स की एग्जांपल दी गई हैं कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या ऐड किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो जाती है। आपके साथ यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स इन वाटर ग्राफ भी शेयर किया गया और आपको रिलेशनशिप शो किया गया बिटवीन द टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज हीट इज़ गिवन आउट। अब इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स शेयर की गई हैं कुछ सॉल्ट्स के और आपको बताया गया कि जब इनको वाटर में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे हीट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जब हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, और जब यहाँ पे हीट क्या हो रहा है कि रिलीज़ हो रही है तो क्या होगा उस केस में, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से कुछ केसेस में क्या होता है कि सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। फिर आपके पास थर्ड केस है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है सॉल्ट NaCl की, जब उसको वाटर में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर का कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर का बहुत मिनिमम इफेक्ट होता है वहाँ उसके सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलोइड। आप लोग सॉल्यूशन की डिटेल में डेफिनेशन और पूरा डिस्कस टाइप्स कर चुके हो। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और हर कंपोनेंट मिक्स होता है ऐसा इस तरीके से कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी विजिबल नहीं होती, ठीक है। सिंपलेस्ट आपके पास एग्जांपल है कि आप वाटर के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक को ऐड कर दो, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल होगी ट्रू सॉल्यूशन की। नेक्स्ट आपके पास है कोलोइड की डेफिनेशन, और यहाँ पे आपके पास शेयर किया गया है टिंडल इफेक्ट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन की आप डेफिनेशन कवर कर लोगे और टेबल 6.2, इसमें आपके साथ तीनों की करेक्टरिस्टिक्स का एक कंपैरिजन टेबल दिया गया है, इसी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको पता है कि जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सारे कवर करेंगे MCQs, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो क्लास में। एक्सरसाइज के ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके साथ ही आप लोग कवर करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये वो तमाम टॉपिक हैं जो हम चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं और क्लास में भी आप लोग स्टडी कर चुके हो, और ये तमाम न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग याद करेंगे। और उसके साथ जो आपके पास ब्लू बेल्ट के नोट्स हैं केमिस्ट्री के, उसमें आप जितने भी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको भी कवर करेंगे, ओके क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से ये न्यूमेरिकल्स आपके नोटबुक्स में चेक करूँगी, ओके 9th क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।